नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा जोशी बोलती किताबें चैनल में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। कर्म योग नाम के तीसरे अध्याय में हमने सीखा कि अर्जुन की कर्म न करने की शंका को किस प्रकार श्री कृष्ण ने समाधान करते हुए बताया कि कर्म न करना हमारे हाथ में है ही नहीं, क्योंकि कुछ कर्म ऐसे भी हैं जो स्वतः ही होते रहते हैं। इसीलिए जब तक मनुष्य शरीर है, जीवन है, कर्म छोड़ना संभव ही नहीं है। कर्म छोड़ना मुक्ति का कोई उपाय भी नहीं है। इसीलिए कर्म न करने से अच्छा है कर्म फल में आसक्ति न रखते हुए शास्त्र विदित कर्म कर और मुझ में वह कर्म अर्पित कर दे। आज हम चौथा अध्याय सुनेंगे। ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम के इस चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण इस परम गूढ़ रहस्य की शुरुआत कहाँ से हुई इस विषय में बताते हैं। तत्पश्चात मोक्ष प्राप्य लोगों ने मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या क्या उपाय किए, क्या साधन अपनाए, कितने प्रकार के यज्ञ कर्म लोगों द्वारा भगवत प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, इस पर भी भगवान प्रकाश डालते हैं और अंत में यह बताते हैं कि ज्ञान योग किस प्रकार सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों, इससे पहले कि हम गीता की ज्ञान गंगा में डुबकी लगाएं, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली उपयोगी ज्ञानवर्धक पुस्तकों की आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। चलिए अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। हे अर्जुन, यह गीतामृत योग को मैंने सबसे पहले सूर्य को बताया। सूर्य ने मनु को तथा मनु ने इक्ष्वाकु को यह ज्ञान सिखाया। तदंतर अनेक राज ऋषियों को इस योग का ज्ञान हुआ। तदंतर प्राणियों की रुचि विषय भोग देह बुद्धि में जकड़ गई, इसीलिए लोगों ने आत्मज्ञान को भुला बैठा। लोगों को यह विषय भोग सुखी अत्यंत श्रेष्ठ लगने लगा। हे कुंती पुत्र, आज मैंने यही कर्मयोग तुमको बताया। यह कर्मयोग एक गूढ़ रहस्य है। तुम मेरे भक्त व सखा हो और मुझे अत्यंत प्रिय भी हो, इसीलिए मैंने यह तुमको बताया है। दोस्तों, अर्जुन भी हमारी तरह मनुष्य थे। उनके मन में आया कि कृष्ण तो मेरे सामने आज हैं और अभी बोल रहे हैं, तो इन्होंने सूर्य को यह ज्ञान किस प्रकार दिया, यह कैसे संभव है? और वो कृष्ण को पूछ ही लेते हैं। हे कृष्ण, हे भगवान, सूर्य सदियों से सृष्टि में है और आप तो अभी मेरे सामने आज के समय में हो। आपने सूर्य को यह ज्ञान बताया, ऐसा कैसे संभव है? अर्जुन की शंका को दूर करते हुए कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे यह सब याद है, पर तुम इन सब से अनजान हो कि मैंने और तुमने कब कब किस रूप में जन्म लिया। वैसे तो मैं अजन्मा हूँ, फिर भी मैं मनुष्यों की तरह देह धारण करता हूँ, परंतु यह मनुष्य जन्म मेरी योग माया से मैं लेता हूँ। मैं जन्म तो लेता हूँ, लेकिन मैं कर्मों में लिप्त नहीं होता। कर्मों के वशीभूत दिखता जरूर हूँ, लेकिन वह सिर्फ भ्रांति के कारण, माया के कारण। कहने का तात्पर्य यह है पार्थ, कि मैं निराकार हूँ, किंतु जब मैं माया का सहारा लेता हूँ, तब कुछ कर्मों के निमित्त शरीर धारण कर साकार योग का आचरण करता हूँ। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं धर्म की रक्षा के लिए जन्म लेता हूँ। उस समय मैं अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करता हूँ, अधर्म की सत्ता को उखाड़ कर धर्म को अवतरित करता हूँ, अधर्मी पापी दैत्य कुल का विनाश करता हूँ और धर्म योगी साधु जन की रक्षा करता हूँ। हे अर्जुन, जैसे मैंने तुझे बताया कि मैं अजन्मा हूँ, फिर भी जन्म लेता हूँ, मैं कर्मों को करने पर भी कर्म शून्य हूँ, और जो मनुष्य मेरे इस भाव की गूढ़ता को समझ जाता है, उसी को तू परम मुक्त जान। इस प्रकार का मनुष्य संसार में रहकर भी कर्मों से आसक्ति नहीं करता है और शरीर धारण करने पर भी शरीर भाव से नहीं बंधता है। जो कामना रहित होते हैं, राग क्रोध से दूर रहते हैं, जिनकी सभी विषयों से प्रीति नष्ट हो गई है, जो आत्मज्ञान में संतुष्ट हैं, वे सहज ही मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, तुम यह जान लो कि जो मनुष्य मुझे जिस रूप में भजता है, स्मरण करता है, उसी रूप में मैं उसको दिखता हूँ और वैसा व्यवहार करता हूँ। परंतु अर्जुन, यहाँ पर यह भी एक बात जानना महत्वपूर्ण है कि मनुष्य स्वभावतः मेरे प्रति ही समर्पित रहता है, भक्ति भाव में रहता है,
परंतु अज्ञान के कारण उसमें भेद बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य मन में कामना रखकर देवी देवताओं की उपासना करते हैं वे इच्छित वस्तु प्राप्त कर ही लेते हैं, क्योंकि सकाम कर्मों के फल इस लोक में तुरंत मिल जाते हैं। क्योंकि कर्मों के अलावा कोई दाता यानी देने वाला, कर्मों के बिना कोई ग्रहिता यानी पाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि केवल कर्म ही फल देने वाले हैं। भूमि में वही उगेगा जो बोया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए आप कर्म कर रहे हो तो फल तो अवश्य मिलेगा, परंतु गीता ज्ञान वांछित फल प्राप्ति के बारे में नहीं है। वह तो इस कर्म बंधन से ही छुटकारा कैसे पाया जाए इस बारे में है। हे अर्जुन, मनुष्य योग में जो भी चार वर्ण भेद किए गए हैं वो मैंने गुणों और कर्मों के अनुसार उत्पन्न किए हैं। हे अर्जुन, ये सारे मनुष्य मूल रूप से एक ही वर्ण के हैं, परंतु गुण व कर्म की नीति के अनुसार चार वर्णों में बांटे गए हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, पार्थ, मैं इसका कर्ता नहीं हूँ। जो इस तत्व को समझ लेता है कि ये वर्ण विभाग मुझ में उत्पन्न हुए हैं और फिर भी मैंने ये नहीं बनाए हैं, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, जिन पुरुषों ने आज तक मोक्ष प्राप्त किया है उन्होंने शास्त्र विदित ही कर्म किए हैं और मोक्ष प्राप्ति की है। उनके वे कामना रहित कर्म ही मोक्ष देने वाले हुए, इसीलिए हे अर्जुन तू उन्हीं का स्मरण कर। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मों के स्वरूप की जानकारी देते हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, निषिद्ध कर्म क्या है, यह भी हमको पता होना चाहिए ताकि उसी हिसाब से हम कर्म कर सकें। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसके भेद को जानने में बुद्धिमान लोग भी भ्रमित हो गए हैं, यह मैं आज तुझको स्पष्ट रूप से बताता हूँ, सुनो। हे अर्जुन, सहज कर्म, विहित कर्म, निषिद्ध कर्म, इन सबको समझने से हम अपने आप को भ्रम से बचा लेंगे तथा उसी अनुसार कर्म करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। अब इसके बाद अर्जुन को ऐसे मुक्त पुरुषों के वो लक्षण बताते हैं। जो निरंतर आत्मस्वरूप में रमण करता रहता है वह देह धर्म के चलने पर भी कर्म फल से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह सदा ही आत्मबोध में संतुष्ट रहता है। उसके जीवन का कोई कर्तव्य कर्म शेष ही नहीं रहता है और उसके लिए कर्म का संग स्वयं होता ही नहीं। तात्पर्य यह है कि वह सहज ही कर्म के संग से मुक्त हो जाता है। जिस मनुष्य में कर्ता का अभाव हो जाता है, अर्थात ये कर्म मैंने किया ऐसा संकल्प नहीं आता है, जो ज्ञान रूपी अग्नि से अपने कार्यों को स्वाहा कर चुका होता है, हे अर्जुन, उसे तुम साक्षात परम ब्रह्मा जानो। जो कर्म फलों की आकांक्षा नहीं रखता, सर्वथा आनंदित रहता है, जो संतोषी है, वह परम आत्मा में तृप्त है। जिसने अपना अंतःकरण व इंद्रियों को जीत लिया है, अर्थात इंद्रिय वश में कार्य नहीं करता, इंद्रियां उसके अधीन कार्य करती हैं, जिसने समस्त भोगों का परित्याग कर दिया है, ऐसा पुरुष शरीर से कर्म करता हुआ भी पापों को प्राप्त नहीं होता है। बिना इच्छा किए जो मिल रहा है उसी में संतुष्ट है, सदा संतुष्ट रहता है, हर्ष शोक ईर्ष्या सबसे परे हो गया है, ऐसा सिद्धि व असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता है। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देह के अभिभाव व देह प्रेम से रहित होकर निरंतर अपने चित्त को परमात्मा में लगाए रहता है, ऐसा करने वाले मनुष्य के कर्म विलीन हो जाते हैं। योगी की बुद्धि इस प्रकार हो जाती है कि यज्ञ कर्ता, हवन, आहुति सब कुछ ब्रह्मा ही है। इसीलिए हे धनुर्धर, जिसकी ऐसी समबुद्धि हो गई है, कर्म का अर्थ ही ब्रह्मा है उसके लिए, तो कर्म करना भी निष्कर्म के समान है। दोस्तों, इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को अनेकानेक यज्ञों के प्रकार बताते हैं कि किस प्रकार भगवत प्राप्ति के लिए लोग अनेकानेक प्रकार के यज्ञ करते हैं। कुछ योगी देवताओं को सब कुछ मानकर यज्ञ को उनको समर्पित करते हैं, यह यज्ञ का एक रूप है। जो पहुँचे हुए कर्मयोगी हैं वह यज्ञ में सब कुछ स्वाहा कर देते हैं, उनका हर कर्म ब्रह्मा के लिए होता है। दोस्तों, हमको यहाँ बस इतना ध्यान रखना है कि हमारा हर कर्म यज्ञ होता है, जिसमें हम कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देते हैं। कुछ योगी जन समस्त इंद्रियों को संयम रूपी अग्नियों में हवन कर देते हैं, कुछ योगी जन समस्त विषय विकारों को इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं।
कुछ योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं और प्राणों की क्रियाओं को आत्म संयम रूप में अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। कुछ पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करते हैं, कुछ तपस्या रूपी यज्ञ करते हैं, कुछ योग रूपी यज्ञ करते हैं और कुछ यम नियम अष्टांग योग द्वारा स्वाध्याय ज्ञान प्राप्त करके यज्ञ करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे यम नियम सिर्फ एक लाइन में कृष्ण ने बताया है। अगर आपको इस विषय में जानने की रुचि है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अष्टांग योग का पूरा वर्णन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ योगी जन अपान वायु प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। कुछ लोग वज्रासन मूल बंध की पद्धति से आहार नियमन से प्राण रूपी अग्नि में समस्त प्राणों का हवन कर देते हैं, अर्थात प्राणों से प्राणों का लय करते हैं। हे अर्जुन, यज्ञ से बचे अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन परम ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और जो योगी यज्ञ नहीं करने वाले हैं उनके लिए तो इस लोक में ही सुख नहीं है, तो परलोक कैसे सुखदायी हो सकता है। हे पार्थ, मैंने जो तुम्हें यज्ञों के प्रकार बताए हैं उनको वेदों में विस्तार से बताया है, परंतु अभी तुम सिर्फ इतना जान लो कि यह सब कर्म से ही उत्पन्न होते हैं और कर्म जानने से ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अधिक श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्म ज्ञान में ही समाप्त हो जाते हैं। इस तत्व ज्ञान को और अधिक अच्छे से समझने के लिए हे पार्थ, तू गुरु ज्ञानी पुरुषों के पास जा व निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा कर, तो वे तुझे उसका उपदेश देंगे, जिसको जानने के पश्चात तू फिर कभी मोह को प्राप्त नहीं होगा और समस्त जगत को अपने में और मुझ में देखेगा। यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू इस ज्ञान रूपी नौका से पाप रूपी समुद्र को पार कर जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे इसका मतलब यह नहीं है कि हम कुछ भी कर्म करते रहेंगे और फिर भी हमको भगवत प्राप्ति हो ही जाएगी। यहाँ पर कृष्ण का तात्पर्य यह है कि अभी तक हमने जो कुछ भी किया है, किंतु यदि अभी भी हम सन्मार्ग पर चलना चाहते हैं तो देर नहीं हुई है। हम कभी भी इस ज्ञान मार्ग पर चल सकते हैं और कर्म बंधनों से छुटकारा पाने की कोशिश कर सकते हैं। हे पार्थ, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। इस ज्ञान को कितने काल से मनुष्य कर्म योग के द्वारा शुद्धांतकरण करता हुआ मनुष्य अपने आप में अपनी आत्मा में ही पा लेता है। हे अर्जुन, ज्ञान प्राप्त होते ही मनुष्य तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। और हे अर्जुन, जिस प्राणी में इसके प्रति संशय है वह विवेकहीन है, वह श्रद्धाहीन है। वह मनुष्य परमार्थ से भ्रष्ट होकर ना तो इस लोक में सुख भोगेगा ना तो परलोक में सुख भोगेगा। हे धनंजय, इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से जड़ से खत्म किया जा सकता है। इसीलिए हे पार्थ, मैं तुमको कहता हूँ, तुम शीघ्र उठो और अपने हृदय में स्थित समस्त संशयों का नाश कर डालो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ पर भगवद गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर सीमित शब्दों में चौथे अध्याय को समझने का प्रयत्न करें तो इसमें भगवान श्री कृष्ण ने यह ज्ञान का प्रादुर्भाव सूर्य को कहने से हुआ यह हमको बताया। तत्पश्चात जब भी धर्म की हानि होती है तब तब भगवान इस धरती पर अवतार लेते हैं और धर्म की सुरक्षा करके अधर्म का नाश करते हैं, और यह भी बताते हैं कि जन्म लेने के बावजूद वह कर्म बंधन से नहीं बंधते हैं। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के विभिन्न स्वरूपों की जानकारी देते हैं। कर्म फल से रहित भगवत प्राप्ति को प्राप्त पुरुषों के लक्षणों का भी वर्णन करते हैं, यज्ञों के स्वरूपों का वर्णन करते हैं और साथ ही यह भी बताते हैं कि ज्ञान यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। दोस्तों, हमें ईश्वर यह भी कहते हैं कि अगर हमने अभी तक अज्ञानवश पाप कर्म किए हैं तो हम अभी भी ज्ञान रूपी इस नौका से भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप में से कोई अभी भी कर्म योग ज्ञान योग इस विषय में शंका में है, कंफ्यूज है, तो मैं अगर एक सरल सी लाइन में बोलूं तो हमको कर्म तो करना ही है, लेकिन वह कर्म ज्ञान योग में बताए गए ज्ञान के अनुरूप आसक्ति रहित फल कामना रहित व ईश्वर को अर्पित करके करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।
दोस्तों, अगर आपको यह गीता ज्ञान थोड़ा सा भी समझाने में मेरा यह प्रयास अगर सफल रहा है तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि इसे औरों तक भी शेयर करने का एक कदम जरूर उठाइएगा। धन्यवाद।